इच्छावर अपने कर्तव्य में लगातार लापरवाही बरतने वाली दौलतपुर उपस्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक एएनएम को सीएमएचओ ने निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय सिविल अस्पताल निसरुलागंज रहेगा। ब्लॉक के दौलतपुर उपस्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम ममता राजपूत को आखिरकार सीएमएचओ ने गुरुवार को निलंबित कर दिया। एएनएम के खिलाफ यह कार्रवाई उनके द्वारा अपने कर्तव्य में लगातार लापरवाही बरतने जाने एवं मुख्यालय पर निवास नहीं करने के चलते की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों गांव दौलतपुर स्थित उपस्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना टीकाकरण का आयोजन किया जा रहा था, तभी केंद्र पर उस समय हंगामा हो गया जब टीकाकरण कर रही एएनएम बीच में ही टीकाकरण छोड़कर अपने घर चली गई। इसके बाद दूरदराज गांव से वैक्सीनेशन लगवाने आए लोगों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद सेक्टर प्रभारी अनुज महेश्वरी द्वारा आनन फानन में दिवडिया सेक्टर से दूसरी एएनएम को बुलाया, तब घंटे भर बाद पूर्ण वैक्सीनेशन का कार्य किया गया था। वहीं सेक्टर प्रभारी ने आरोपी एएनएम के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंचनामा बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया था। इसी के चलते जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एएनएम को निलंबित कर दिया है। यही नहीं, आरोपी एएनएम सीहोर में निवास करती थी और वहां से हफ्ते में एक या दो बार दौलतपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपने कार्य की इतिश्री कर लेती थी, जिसकी शिकायत भी ग्रामीण लगातार अधिकारियों से कर रहे थे। लापरवाही बरतने पर की गई कार्यवाही उक्त एएनएम द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान भी यह केंद्र पर देर से आती और जल्द ही चली जाती थी। इसके चलते एएनएम के खिलाफ कार्रवाई हेतु सीएमएचओ को पत्र लिखा गया था, जिसके चलते उक्त एएनएम के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।